गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। टूडे वी विल स्टार्ट प्रेपरेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल्स। कल हमने पढ़ा था मेटल कार्बोनिल्स की स्ट्रक्चर, उसकी बॉन्डिंग कैसी होती है, बैक बॉन्डिंग पढ़ी थी, बैक बॉन्डिंग क्यों होती है, उसकी वेरिएशंस कैसी होती हैं, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। आज हम पढ़ते हैं प्रेपरेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल्स, कि हम मेटल कार्बोनिल्स को प्रेपरेशन कैसे कर सकते हैं। उसके दो मेथड्स पढ़ेंगे हम। पहला हमारा मेथड है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में क्या है, सम ट्रांजिशन मेटल्स लाइक निकल, आयरन, कॉपर एटसेट्रा, कोई भी हम ट्रांजिशन मेटल्स ले सकते हैं। फर्स्टली वी नो अबाउट व्हाट इज ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स आर दोज मेटल्स विच हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, राइट। जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हम ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। यहाँ पे हम लेके चलेंगे निकल, आयरन, कॉपर, कोई भी हो सकता है। वो डायरेक्टली जब रिएक्ट करेंगे कार्बन मोनोक्साइड गैस के साथ अंडर सुटेबल कंडीशंस। सुटेबल कंडीशंस मतलब फिक्स टेम्परेचर होगा और फिक्स प्रेशर होगा, ठीक है, उसको हम स्टेबल कंडीशंस बोल देते हैं। जब हम डायरेक्टली रिएक्ट कराएंगे ट्रांजिशन मेटल के साथ अपनी गैस को, तो हमारा क्या बनेगा, कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल हमारा बन जाएगा, ठीक है, प्रिपेयर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल्स लिए हैं, फर्स्ट निकल के साथ, दूसरी आयरन के साथ, ठीक है। जब निकल के साथ हमने डायरेक्ट सीओ गैस को एड करा, ठीक है, ये हमारे हो गए रिएक्टेंट्स, और फिक्स टेम्परेचर मतलब सुटेबल कंडीशंस ले ली। फिक्स टेम्परेचर कितने, 30 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितने, 1 एटमोस्फेयर, ठीक है, एटीएम मतलब एटमोस्फेयर। जब ये रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा मेटल कार्बोनिल बन जाएगा। ये कौन सा मेटल कार्बोनिल है, निकल, CO4, ठीक है। ऐसे ही सेम हम आयरन के साथ लेंगे, आयरन के साथ 5 CO, ये हमने गैस डायरेक्टली रिएक्ट कराई एट सुटेबल कंडीशंस, 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 200 एटमोस्फेयर प्रेशर, तो हमारा ये मेटल कार्बोनिल आ गया आयरन CO5, ठीक है। ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड। नाउ हम सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड देखो, बाय द एक्शन ऑफ CO ऑन मेटल ऑक्साइड। पहले हमने सिर्फ ट्रांजिशन मेटल के साथ रिएक्शन कराई थी, अब हम मेटल ऑक्साइड लेंगे, ठीक है, और मेटल क्लोराइड, या तो हम मेटल ऑक्साइड ले सकते हैं या मेटल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। और कोई भी हम ऐसा एजेंट लेंगे जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। जनरली अगर हम एक्सेस में सीओ भी डाल दें तो उसको भी हम रिड्यूसिंग एजेंट कंसीडर कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेके चलते हैं मेटल ऑक्साइड की। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन उसके साथ अटैच होगा मेटल के साथ। ये कौन सी मेटल है, ओस्मियम, OS, ओस्मियम, ठीक है। तो OSO4 प्लस 9 CO, 9 CO मतलब हमने एक्सेस में यहाँ पे CO गैस ऐड कर दी, तो ये एज ए एक्ट हमारा रिड्यूसिंग एजेंट भी एक्ट कर सकती है, ठीक है। और सुटेबल कंडीशंस ले ली, 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 350 एटमोस्फेयर प्रेशर, तो यहाँ पे हमारा मेटल कार्बोनिल आ गया ओस्मियम, OS CO5, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई, राइट। ऐसे ही हम सेम मेटल क्लोराइड भी ले सकते हैं। क्लोराइड मतलब क्लोरीन लगा होगा मेटल के साथ, Cr, क्रोमियम, Cl3, ठीक है, और प्लस 2 CO। यहाँ पे हमने CO एक्सेस में नहीं ली, यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया, कौन सा, LiAl4, ये क्या है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। फिक्स हमने टेम्परेचर और प्रेशर ले लिया, तो जब ये रिएक्शन होगी तो हमारा यहाँ पे क्या बन गया, मेटल कार्बोनिल CrCO6, ये हमारा मेटल कार्बन, ये क्लोराइड हमारा एज अ साइड प्रोडक्ट बाहर निकल गया, राइट। ये हमारे दो मेथड। अब हम तीसरा मेथड देखते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, पहले हमने सिंपल कार्बोनिल के साथ एक मेटल लिया, उसके साथ कार्बोनिल की रिएक्शन कराई। नाउ हमने ऑक्साइड और क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराई, अब हम पॉली कार्बोनिल सिंथेसाइज करेंगे। वो कैसे होंगे, पॉली मतलब पहले सिंगल मेटल थी, अब पॉली मतलब ज्यादा मेटल्स होंगी, ठीक है। मेटल कार्बोनिल कैन बी सिंथेसाइज बाय फोटोकेमिकल और थर्मल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल मतलब हम कोई ना कोई लाइट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, उसको हम फोटोकेमिकल बोलते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब हम हीट प्रोवाइड करेंगे, ये लाइट, ये हीट, ठीक है। सिंपल कार्बोनिल्स, कोई भी हम सिंपल कार्बोनिल लेके हम ये दोनों चीजें प्रोवाइड करेंगे, हम दो एग्जाम्पल देखेंगे, तो हमारा यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल सिंथिसाइज हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे हमने सिंपल कार्बोनिल कंपाउंड लिया Fe CO5, यहाँ पे हमने हीट प्रोवाइड सॉरी लाइट प्रोवाइड करी, मतलब फोटोकेमिकल रिएक्शन है ये। तो जब हम यहाँ पे 2 लगाया तो यहाँ पे क्या आ गया, Fe2CO9, और ये कितने हो गए, 10, बैलेंस करने के लिए 1 CO हमारा बाहर निकल गया, ये क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमारा क्या सिंथेसाइज हो गया, पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स, ठीक है। ऐसे ही हम ये एग्जाम्पल लेंगे CO2, CO8,
50 डिग्री सेल्सियस पर हमने मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, जब ये टूटेगा तो ये क्या आ जाएगा, CO4, CO12 और 4CO एज ए साइड प्रोडक्ट बाहर निकल गया। ये दोनों क्या हो गए हमारे, पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स, राइट। अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कार्बोनिल की, क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज स्टूडेंट्स मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप बोल सकते हैं, राइट। सो नाउ स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, सिंपल कार्बोनिल्स हैव सिंपल मेटल एटम। अगर हमारा जो कार्बोनिल सिंपल लेंगे तो उसका सिंपल मेटल एटम होगा, मतलब वो पॉली में नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल NiCO4, FeCO5, इनको हम बोलेंगे मोनो न्यूक्लियर कार्बोनिल्स, क्योंकि यहाँ पे एक मेटल है, राइट। तो एक मतलब मोनो न्यूक्लियर कार्बोनिल्स। नाउ सेकेंड है हमारा कार्बोनिल क्लस्टर्स, मतलब एक से ज्यादा कार्बोनिल्स अटैच होंगे, मतलब मेटल भी ज्यादा होगी, हैव मोर देन वन मेटल, ठीक है। वही मैंने बताया कि एक से ज्यादा मेटल एटम होगा उसको हम बोलेंगे पॉली न्यूक्लियर कार्बोनिल्स। यहाँ पे सिर्फ मोनो था तो एक ही मेटल था, यहाँ पे अब पॉली न्यूक्लियर है तो एक से ज्यादा मेटल है, देखो Fe3CO12, राइट। द सिंपल थर्ड देखो, अब द सिंपल मेटल कार्बोनिल्स आर जनरली कलर्ड लिक्विड्स और सॉलिड्स विद लो मेल्टिंग पॉइंट। अब इसमें क्या है, जो हमारे सिंपल कार्बोनिल्स हैं वो जनरली क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं, वो लिक्विड में भी हो सकते हैं, वो सॉलिड में भी हो सकते हैं, ठीक है। जनरली उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होगा। इसके हम सम एग्जांपल्स देखते हैं, देखो यहाँ पे एग्जांपल, ये वी क्या है, वेनेडियम CO6 FeCO5, इसका कलर ब्लैक सॉलिड होगा और इसका कलर येलो लिक्विड होगा, ठीक है। ये क्या है हमारे मोनो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स, ठीक है। अब हम फोर्थ देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी, द कार्बोनिल्स रिएक्ट विद हेलोजन्स। जब कार्बोनिल्स को हम रिएक्ट कराएंगे हेलोजन्स के साथ तो हमारे वहां पे हेलाइड्स बन जाएंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एक कार्बोनिल हो गया, ठीक है, मेटल कार्बोनिल, उसको हम रिएक्ट कराएंगे अब हेलोजन के साथ। देखो यहाँ पे Mn2CO10 प्लस Br2, ये क्या है हमारा हेलोजन, इसको हमने 40 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन कराई तो हमारा ये क्या बन गया, एक हेलाइड बन गया, ठीक है। मतलब मेटल कार्बोनिल्स के साथ एक हेलोजन ऐड हो गया तो हम इसको हेलाइड बोल सकते हैं, MnCO5Br। ऐसे सेम एग्जांपल लेके चलेंगे, यहाँ पे हमने मेटल कार्बोनिल को रिएक्ट कराया I2 क्या है हमारा हेलोजन, तो ये क्या बन गया हमारा हेलाइड, FeCO4I2 प्लस CO, राइट। नाउ हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है, कार्बोनिल ग्रुप कैन बी रिप्लेस बाय अदर लिगेंड्स। अब कार्बोनिल ग्रुप को हम अदर लिगेंड्स के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि NO, NC, PF3, इनके साथ हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, NiCO4 प्लस 2 PF3, ठीक है। यहाँ पे कितने कार्बोनिल अटैच है, 4, ठीक है, 4 अटैच है। जब हम ये रिएक्शन होगी तो यहाँ पे कितने रह जाएंगे, 2, और 2 हमने रिप्लेस कर दिए किसके साथ, 2 PF3, यहाँ पे PF3 2, मतलब यहाँ पे टोटल 4 थे, यहाँ पे भी टोटल 4 हो गए, पर हमने कार्बोनिल को रिप्लेस कर दिया PF3 के साथ, ठीक है। ये NO के साथ भी हो सकता है और NC के साथ भी हो सकता है, राइट। नाउ देखते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है, सिक्स प्रॉपर्टी देखो, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल गिव्स कार्बोक्सिलेट्स, ठीक है। जब हम कार्बोनिल की रिडक्शन कराएंगे तो कार्बोक्सिलेट्स हमारे आएंगे, देखो कैसे, Mn2CO10 प्लस 2Li, ये हमने रिडक्शन करा दी, जब रिडक्शन कराएंगे तो हमारे कार्बोक्सिलेट्स आ गए, कैसे, LiMn, ये क्या है हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट, CO5, यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -1, राइट। सेकंड एग्जांपल देखो, CO2CO8, इसकी हमने रिडक्शन कराई तो ये हमारा क्या आ गए, कार्बोक्सिलेट्स आ गए, NaCO -1 CO4, ये क्या है हमारी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। आज हमने पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल्स के मेथड्स, 3 मेथड पढ़े हैं, डायरेक्ट मेथड, और 2 हमने और पढ़े हैं, एक ऑक्साइड क्लोराइड के साथ, और थर्ड में हमने पढ़ा था कि पॉली न्यूक्लियर हमारे मेटल कार्बोनिल्स कैसे सिंथेसाइज हम कर सकते हैं, ठीक है, और हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पाई एसिड लिगेंड्स, जिसको हम सिनर्जिक इफेक्ट भी बोलते हैं, उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो को वेट करो। थैंक यू सो मच, गुड लक, बाय।